A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic on the face of it and let's start the class. So, yahan pe dekhiye watching, listening, thinking. Isme dekhiye Derry tells Mr. Lamb that he hates some people. Derry kehta hai Mr. Lamb se ki wo kuch logon se nafrat karta hai. Mr. Lamb says that hatred is more dangerous than the acid that burned his face. लैम जो है वो बहुत ही फिलॉसफी वाली बातें हमने पहले बताया कि बहुत ही दार्शनिक तरीके से बात करता है. एंड ही टेल्स दैट हेटिंग समवन इज़ मोर डेंजरस, यानी कि किसी को नफरत, किसी से नफरत करना उससे भी कहीं अधिक ख़तरनाक है, जस्ट यानी कि तुम्हारे जले हुए फेस से भी ज़्यादा. डेरी नरेट्स अनदर इंसिडेंट अबाउट द टाइम व्हेन ही रिटर्न होम आफ्टर द एक्सीडेंट. जब ये घटना घटी उसके बाद जब वो घर पे वापस आया तो उसके साथ क्या घटना घटी वो उस स्टोरी को भी वो उसने नरेट किया डेरी ने. ही हर्ड समवन सेइंग दैट ही हैड हैव बीन बेटर इन द हॉस्पिटल विद अदर लाइक हिम. तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि इससे अच्छा तो वो हॉस्पिटल में रहता जहाँ कि उसके ही जैसे सारे बच्चे रहते हैं, यानी कि उसको एक प्रकार से आइसोलेट किया कर दिया जाता, यानी कि एक अलग कर दिया जाता समाज से. मिस्टर लैम कंट्रोडिक्स इट बाय आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड दैट बी. डेरी इज अमेज्ड एंड आस्क हाउ ही अंडरस्टैंड्स ऑल दीज थिंग्स. मिस्टर लैम रिप्लाइज वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग. अब देखिए यहाँ पर मिस्टर लैम जो है वो कंट्रोडिक्ट है, यहाँ पर कंट्रोडिक्ट करते हैं पूछते हुए. क्या पूछते हुए? कंट्रडिक्शन का मतलब होता है एक विरोधाभास एक प्रकार से. क्या पूछते हुए? व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड लाइक बी. तो उस वो संसार किस तरह का संसार होगा, ये वो क्वेश्चन पूछते हैं. डेरी इज अमेज्ड, डेरी जो है वो सरप्राइज होता है, अमेज्ड होता है. एंड आस्क हाउ ही अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. वो इस तरह की बातें कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं, फिलॉसफी भरी बातें, दार्शनिक बातें. मिस्टर लैम रिप्लाइज वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग. कहा कि ये जितनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं ये देखकर, सुनकर और सोचकर हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं. मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट ही कैन कम एंड गो इन हिज हाउस एज ही विशेस. मिस्टर लैम कहता है, जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि यू कैन कम एनी टाइम एंड गो इन हिज हाउस एज ही विशेस. और वो विश करता है कि आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो. वॉट एवर बिलोंग टू हिम बिलोंग्स टू एवरीबडी. और वो कहता है कि जो उसका है वो सभी का है, यानी कि जितनी सारी चीज़ें उसके पास हैं वो सभी की हैं. मतलब वो उन चीज़ों पे उसी का अधिकार नहीं है बल्कि सबका अधिकार है. डेरी टेल्स मिस्टर लैम दैट हिज फ्रेंड्स वुड रन अवे एट सीइंग डेरीज फेस. अब जो डेरी है वो कहता है कि मिस्टर लैम से कि उसके जितने भी दोस्त हैं वो सारे भाग जाएंगे जब जैसे ही उसका वो चेहरा देखेंगे, जो बर्न फेस है वो देखेंगे. मिस्टर लैम टेल्स दैट दिस दैट इट इज़ अ रिस्क ही हैज़ टू टेक. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा. ही वॉन्ट्स डेरी टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू कम आउट ऑफ हिज शेल. अब वो चाहते हैं कि जो डेरी है, जो ये बच्चा है छोटा सा, ये शेल, शेल का मतलब होता है एक प्रकार से अपने को उसने एक बांध लिया है ना, शेल का मतलब जेल, तो उस वो एक प्रकार से प्रिजन, उससे वो बाहर आए. एंड शेड हिज बिटरनेस, और अपना जो उसके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है और बिटरनेस यानी कि कड़वापन है वो बाहर उसका निकले. इफ़ ही वॉन्ट्स टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अगर वो पूरी तरह से जीवन को इंजॉय करना चाहता है, जीवन को जीना चाहता है, तो उसको एक जो एक प्रकार की जेल जो उसने अपने लिए बनाई है, जेल का मतलब यहाँ पे जेल नहीं है, उसने अपनी खुद की बाउंड्री एक बना ली है ना कि वो लोगों से नहीं मिलेगा, बातें नहीं करेगा. तो यहाँ पे ये मिस्टर लैम इस तरह की का वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो जेल नहीं है. ये द बॉय हैज़ क्रिएटेड प्रिजन फॉर हिमसेल्फ, ऑल्दो देयर इज़ नो प्रिजन फिजिकली, यहाँ पे कोई प्रिजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है प्रिजन एक प्रकार की उसने अपने लिए बना ली है, लोगों से ना मिलके, लोगों से आइसोलेट होके, लोगों से अलग रहकर. तो इस तरह से यहाँ पे आप देखते हैं कि बोथ कैरेक्टर्स आर सफरिंग फ्रॉम यू नो सेम प्रॉब्लम, फिजिकल दे बोथ आर फिजिकली हैंडीकैप,
लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो छोटा बच्चा है वो पॉजिटिव है डेरी, जो ओल्ड एज में है मिस्टर लैम वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।